एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसके पिता किसान थे और उनकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वे खुश रहते थे। राजू की छोटी बहन गीता और उसका दोस्त सुरेश भी उसके साथ पढ़ते थे। एक दिन राजू और सुरेश स्कूल से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें लालचंद का खोया हुआ बटुआ मिला। सुरेश ने कहा, आए इसे अपने पास रख लेते हैं, इसमें बहुत पैसे हैं, हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। नहीं सुरेश, ये गलत है, हमें इसे उसके मालिक को लौटाना चाहिए। लेकिन राजू, अगर हम ये पैसे ले लेते हैं तो कोई नहीं जान पाएगा, हम अमीर बन जाएंगे। हो सकता है कोई न जान पाए, लेकिन हमें अपनी आत्मा के सामने सच्चा रहना चाहिए। गलत तरीके से मिला धन हमें कभी सुख नहीं दे सकता। राजू ने बटुआ उठाया और रामू काका के पास गया, जो गांव के बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। रामू काका, हमें ये बटुआ मिला है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इसे किसे लौटाना चाहिए? बेटा, ये लालचंद का बटुआ लगता है, वह कल बाजार में शिकायत कर रहा था कि उसका बटुआ खो गया है, तुम्हें इसे उसे लौटा देना चाहिए। राजू ने लालचंद के घर जाकर बटुआ लौटा दिया। लालचंद ने राजू की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे धन्यवाद दिया और कहा, राजू, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। धन्यवाद लालचंद जी, लेकिन मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, सही चीज करना ही मेरा इनाम है। लालचंद ने राजू की सोच से प्रेरित होकर उसे और उसके परिवार को कई प्रकार की सहायता दी। राजू की ईमानदारी और सच्चाई की ताकत ने गांव में उसकी एक अलग पहचान बना दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। गलत तरीके से पाया हुआ धन या लाभ हमें कभी भी सच्चा सुख नहीं दे सकता। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले को हमेशा सम्मान और संतोष मिलता है। इस घटना के बाद राजू की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग राजू के परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मदद करने लगे। भैया, मैं तुमसे बहुत गर्व महसूस करती हूँ, तुम्हारी ईमानदारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। गीता, यह सब तुम्हारे प्यार और समर्थन के बिना संभव नहीं था, हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। राजू ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के खेत में भी काम करना शुरू कर दिया। उसने नई तकनीकों का उपयोग करके फसल उत्पादन को बढ़ाया। उसकी मेहनत और लगन ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया।